सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय फर्स्ट व्लॉग वीडियो। सो गाइस, फिलहाल के लिए आप पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि भाई तू तो मोटरसाइकिल सीख रहा था ना, मतलब कि बाइक सीख रहा था, और भाई तूने स्कूटी क्यों बाई कर ली यहाँ पे। तो सीन यहाँ पर कुछ ऐसे है, फिलहाल के लिए अभी बताता हूँ मैं। सबसे पहले तो इसका मैं अभी ओवरव्यू दे देता हूँ कि भाई ये कैसी है, क्या है। तो भाई ये आती है हीरो की डेस्टिनी 125 cc। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका लोगो, एकदम मस्त है, 3D लुक टाइप में दिया हुआ है। एक इधर भी है और यहाँ पे एक इधर भी है, ठीक है। तो बाकी इसका बैक का लुक यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया है। और फिलहाल के लिए अभी मैं आगे भी दिखा देता हूँ एक बार। तो ये देखो यार, क्या मस्त डिज़ाइन है सामने से भी। और ये अपने यहाँ पे मेरे ख्याल से, हाँ जहाँ तक बोलते हैं इनको, DRL वही है शायद से। और एक यहाँ पे भी है, यहाँ पर अभी इसका आपने पूरा लुक देख ही लिया है। और यहाँ पे इसमें आता है i3S टेक्नोलॉजी और FI करके जो है उधर बैचिंग बनी हुई है। रुको दिखाता हूँ, ये रही FI की, ये ठीक है। तो FI तो, और बाकी i3S तो बाकी आपको तो पता ही होगा, ठीक है। कैसा कि जगह जो आपको मैं बता रहा था अभी, तो यार जब भी कोई बंदा कोई भी चीज़ लेता है ना, सबसे पहले अपने बजट के बारे में सोचता है कि भाई बजट कैसे रखना है, क्या है, तब जाके यार चीज़ आती है, वरना वैसे तो नहीं आती। तो यार मैंने यहाँ पे सीन कुछ ऐसा रखा था ना, तो यहाँ पे यार सीन मैंने कुछ ऐसा रखा था कि यार मैंने पहले से पसंद कर रखी थी भाई की मुझे कौन कौन सी दिन। तो एक तो थी मेरी R15 वर्जन 4, वो भी यार बहुत प्यारी है, और एक थी RS 200। तो ये दो मुझे पसंद थी, लेकिन यहाँ पर मैं सीन कर रहा था कि दोनों मतलब 2 लाख से नीचे X4 पर, लेकिन यार जब ऑन रोड वगैरह सब कुछ है तो भाई ऊपर ही जा रही। तो सीन यहाँ पर कुछ ऐसा था, मैंने EMI पे ले ली थी जी। तो वहाँ पर फिर मैंने देखा यार कि कहाँ पर मैं 40K दे रहा हूँ, और उसके बाद वही सर मेरी किस्त भी 7 से 8 हज़ार रखी हुई। तो यार मैंने कहा यार ये तो मतलब बहुत ज़्यादा है, और फायदा भी मेरी सैलरी 11K तक की है। तो यार वहाँ पर 7 से 8 हज़ार को डेली मिलिया है, तो यार काफ़ी मुश्किल ही था। तो फिर मैंने किसी तरह डिसाइड करके घर का थोड़ा बात बात करके, तो ये स्कूटी का ही फिर बाइक फाइनल बाइक किया। तो फिर स्कूटी का ही फाइनल किया यहाँ पर हमने। यार एक तो स्कूटी का यहाँ पर ये रहने वाला था, पर यहाँ पर ही ना ये मेरा पहला 2-व्हीलर है। तो भाई यार चेक वैक कर ले यहाँ पर, यहाँ पर ये मेरा पहला 2-व्हीलर है। तो अपनी फैमिली में ये अपना यार दूसरा है, लेकिन मेरा पर्सनली दूसरा ही मेरा 2-व्हीलर है। क्योंकि ना यार इससे पहले हमारे पास 3-0 वालों की थी, एक मैस्ट्रो थी, तो यार वो किसी ना फैमिली प्रॉब्लम के कारण घर में से तो बेचनी पड़ी थी। क्योंकि अभी 15 की बात आई तो ऐसा कुछ सीन था। अगर आपको उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो बता देना। और बाकी जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि RS 200 यही दो। बस सामने आ गई भाई, कितने छोटे रोड पे किसी को पीछे निकल जाओ, सही है था।
एकदम अलग है। चलो यार अभी आ चुके हैं अपने घर वापस।